तो दोस्तों मैंने सुबह सुबह में चूल्हा जला दिया है क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और मुझे नहाना भी है। सुबह सुबह ठंड लग रही थी, यहाँ मैंने लाइट ऑन कर रखी है पूरी। उधर तो अभी गांव में सौर ऊर्जा लगे नहीं, तो उधर ऑन हो रखा है। नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होना है। दोस्तों हो चुके हैं फ्रेश, नहा धो ली हूँ और अभी इधर सौर ऊर्जा की लाइट का उजाला है। बाकी घर की साइड देख सकते हो, इधर पूरा अंधेरा है। उधर मैंने आग जला रखी है, तो फ्लैश ऑन करती हूँ थोड़ा। तो उधर मैंने आग जला रखी है तो हल्का सा उजाला दिख रहा था, बाकी इधर पूरा अंधेरा हो रखा है। चलते हैं पूजा वाले रूम में पूजा करने के लिए। जी भोलेनाथ जी। तो गाइस अब पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तो उजाला भी हो जाएगा बाहर। दोस्तों हो चुकी है मेरी पूजा पाठ, ये देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, सूर्य नारायण भी उदय हो चुके हैं। देख सकते हैं आज का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। और अब हो जाती हूँ मैं रेडी क्योंकि मुझे आज बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, आज का मेरा बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। तो दोस्तों निकल चुकी हूँ मैं अब घर से और मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वैसे उठ गई थी और उसने अगर वो मुझे देख लेती तो वो फिर रोने लग जाती, इसलिए मैं तुरंत ही घर से निकल चुकी हूँ। बाल भी स्पीड में बनाए और अब मैं भी चलती हूँ क्योंकि मैं आज अकेले हूँ, वैसे के पापा भी नहीं है साथ में, तो मुझे टाइम से जाना है, फिर टाइम से घर पर भी आना है। तो चलती हूँ फटाफट। और मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी धूप आई है, ऊपर से बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। इतनी अच्छी धूप आ रखी है ना, ट्रैवलिंग में धूप हो तो नहीं कुछ और होता है, और अगर मौसम ख़राब रहता है तो फिर सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो पहुँच चुकी मैं लैंसडाउन, और लैंसडाउन आई थी मैं आज आर्मी कैंटीन सामान लेने के लिए। तो यहाँ तो यहाँ की लोकेशन तो मैंने पहले भी आप सबको दिखा रखी है, बट फिर भी एक और बार देख लीजिए। अब चलती हूँ मैं यहाँ हनुमान जी को प्रसाद खिलाने के लिए। आज मेरा एकादशी का व्रत है तो मैंने फल ले लिए थे खाने के लिए, तो एक बेरी थी मेरे पास बची हुई लास्ट, तो यहाँ पर मुझे बंदर दिखाई दिया तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इनको ही प्रसाद दिया जाए। है बांदर, बांदर त्यार परिवार आया भाई, क्योंकि मेरे चिचोड़ी है भाई, चिटकू चिटकू ले। तो फाइनली पहुंच चुकी मैं वाले के दार में, और हालत बहुत खराब हो चुकी है और पूरा अंधेरा भी हो चुका है इधर से, और स्कूटी चला के कमर टूट गई मेरी बुरी तरीके से, और ये सामान है, चलते हैं हम घर।